हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज डे 5 और हमारी ट्रेवलिंग का, एंड दिस इज डे 3 इन मनाली। तो आज हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। तो वी वर एडवाइज कि आप जल्दी जल्दी निकलोगे तो अच्छा रहेगा, और बाय 12 वी विल बी बैक टू द होटल। तो मैं तो तैयार हो गया हूँ ऑलरेडी, लड़कों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेसिकली। और सिचुएशन इज वेदर बहुत अच्छा है, आज धूप भी निकली है, सो द विंड इज ऑल्सो गुड। तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड डे फॉर पैराग्लाइडिंग, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। हमने वेदर चेक किया था, सो टुडे इट वॉज गुड, बट टुमारो इट वॉज एक्सपेक्टेड टू रेन। तो वी वॉन्टेड टू स्टे इन होटल एंड चिल, बट अगर हमको पैराग्लाइडिंग करनी है तो टुडे इज द लास्ट डे, टुमारो देर विल बी रेन। सो इसलिए हमको आज निकलना पड़ेगा। भैया को हमने बोल दिया ही विल बी हियर एनी मोमेंट, एंड देन वी विल लीव होटल एंड गो फॉर द डेस्टिनेशन। सो गाइज, अब हम निकल चुके हैं मनाली से डोबी की तरफ पैराग्लाइडिंग के लिए, जो कुछ 20-25 मिनट की दूरी पे है। यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स है जहाँ पे आप प्राइस नेगोशिएट करके चूज़ कर सकते हैं कि आपको किन के साथ पैराग्लाइडिंग का एडवेंचर स्पोर्ट करना है। तो सामने जो पहाड़ है वहाँ से हम पैराग्लाइडिंग करेंगे अराउंड 8000 फीट की ऊँचाई से, और 10 से 12 मिनट का पैराग्लाइडिंग होता है। श्रुति गाड़ी में बैठ गई है, और ये वाली गाड़ी हमको ऑल द वे टॉप ऑफ द माउंटेन लेके जाएगी, और फिर वहाँ से हम ग्राइड करके नीचे आएंगे। अभी जाकर बैठ जाता हूँ अभी, और फिर मिलते हैं आपको ऊपर। और ये देखो, ये है एप्पल का ट्री, इसको फूल आ गया फिलहाल, और जब ये फूल झड़ जाएगा तो फिर इस पर एप्पल लगेंगे। देखो, अगर आपने नहीं देखा, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, जिस जिसने फर्स्ट टाइम देखा कमेंट करके ज़रूर बताना, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा। सो अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं, आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर मोर पीपल, ताकि गाड़ी भी भर जाए और हम साथ में इकट्ठा ऊपर जाए। अभी थोड़ा नर्वसनेस लग रहा है सोच के कि आई एम गोना जंप ऑफ अ माउंटेन। इफ हमने वैसे पैसे तो भर दिए हैं, अगर हम ऊपर जाके बैकआउट करते हैं तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा हमको। सो दैट्स लाइक गुड मोटिवेशन के बैकआउट नहीं करना है। बाकी आपको माउंटेन्स यहाँ से दिख रहे हैं, कल हम इन्हीं ऊपर वाले माउंटेन्स में कल हम बर्फ जैसा खेल रहे थे। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए अपने लॉन्चिंग पैड की तरफ, और वहां से हम लोग नीचे जाएंगे फ्लाइट करते हुए। और ये 12 मिनट की राइड रहेगी, और धूप भी आज है, मौसम भी अच्छा है, ना ज़्यादा समझ रही है हमारी गाड़ी, और भैया ने तो पूरी लस्सी बना दी हमने, खतरनाक ड्राइव करते हैं। शक्ति को गेयर अप कर रहे हैं, और ये वाले भैया मेरे को गेयर अप कर रहे हैं। भैया इसको क्या बोलते हैं? ये हार्नेस रहता है भैया। हार्नेस? तो भैया ने हमको हार्नेस पहना दिया। चेयर बनेगा इसका? अच्छा अच्छा जी, आप पूरे ब्लॉक्स देखेंगे। ठीक है श्रुति, हाँ रह जाएगी, थैंक यू। तो श्रुति फर्स्ट जा रही है, और भैया इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ये वाले मेरे पायलट हैं, और ये व्यू है, कितना सुंदर व्यू है, नीचे नदी भी है।
तुम्हारा एक्सपीरियंस सर? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस. आई थिंक के दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रैवल. लोगों को उड़ना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए. आई थिंक रोडवेज रेलवे सब बंद कर देने चाहिए और हमको कहीं भी जाना हो पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमको उड़ के जाना चाहिए. It is an awesome experience. It was the best experience I think of my life. मैंने ज़्यादा adventures तो किए नहीं हैं, but definitely I think highlights of my life बोल सकती हूँ मैं. It was surreal. थोड़ा डर भी लगता है, but mostly it was just amazing. I cannot stop smiling because it was so fabulous. मुझे बहुत मज़ा आया. और जैसे हम रोलर कोस्टर राइड में भी बैठते हैं वैसी फीलिंग आती है कि वाइल इट्स हैपनिंग थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज लाइक ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया और थोड़ी टाइम होना चाहिए. थोड़ा साइड में तो हम लैंडिंग पे खड़े हैं तो बीच में बताना बस.